स्टूडेंट्स वेलकम टू एवरी वन इन टूडेज क्लासेज। टूडे वी डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंट रिलेटेड द टर्मरिक पाउडर। ओके, पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टर्मरिक पाउडर से टर्मरिक पेस्ट बनाएंगे। और टर्मरिक पेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पेपर का यूज़ करेंगे। वो पेपर आपका वाइट पेपर हो सकता है, फिल्टर पेपर हो सकता है, कोई भी पेपर आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हम उसमें एसिड डालेंगे और बेस डालेंगे और देखेंगे कि एसिड के प्रेजेंट में वो कौन सा कलर देता है और बेस के प्रेजेंट में कौन सा कलर देता है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, टर्मरिक पाउडर। थोड़ा क्लोज आ जाइए, इसको बस दिखाइएगा। ये हमारे पास टर्मरिक पाउडर है, तो हम इस टर्मरिक पाउडर को बीकर में डालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, हमें इसका क्या करना है, पेस्ट बनाना है। ठीक है, तो पेस्ट बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, पानी को डालेंगे। धीरे धीरे पानी को डालेंगे ताकि जो हमारा पेस्ट है वो क्या हो, गाढ़ा बने। क्योंकि पेस्ट बनाना अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर पेस्ट बनेगा नहीं। ओके, हमारे पास फिर स्टिर करने के लिए एक, फिर इसको हल्का चला देंगे। चलाने के बाद देखेंगे जब ये पेस्ट बन जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा और गाढ़ा सही है, थोड़ा सा और दो बूंद पानी डालेंगे। ओके, ये बिल्कुल पेस्ट तैयार हो गया है। अब इस पेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर पेपर, थोड़ा ये ट्राइपॉड स्टैंड और वायर गज के हेल्प के द्वारा हम लोग पेस्ट को अच्छे से लगा देंगे इस टर्मरिक पाउडर के पेस्ट को फिल्टर पेपर में। क्लियर दिख रहा है ना, ये फिर इसमें पूरी तरह से फैला देंगे। और ये जो है आपका टर्मरिक पेस्ट है, इसको जब ऐसे करके आप पूरी तरह से फैला दोगे पेपर में तो ये पूरा एक रोटी की तरह दिख रहा होगा आपको। गोल गोल फिल्टर पेपर है ये एक्चुअली, है ना। आप इसको वाइट पेपर में भी कर सकते हैं, राइट नाउ ये हमारा एक अच्छा सा एक क्या बन गया, टर्मरिक पेस्ट। अब हम इसमें क्या करेंगे, एसिड और बेस को डालेंगे, बट थोड़ा हम इसको ड्राई होने देंगे, सूखने के लिए देंगे। और सूखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एसिड बेस डाल के देखेंगे क्या डिफरेंस आते हैं, क्या कलर्स होते हैं, क्या रिएक्शंस होते हैं, फिजिकल चेंज होता है फिर केमिकल चेंज होता है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे, हम लोग देखते हैं कि बेस को डालने के बाद टर्मरिक पेपर में क्या शो होता है। तो चलिए ये हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। बेस में आप कुछ भी ले सकते हैं। और ये मैं डाल रहा हूँ टर्मरिक पेपर, देखिए क्या हुआ, रेड कलर, डार्क रेड कलर दिख रहा है आपको, ये पूरा डार्क रेड कलर आपको दिख रहा होगा। ये किस में हम लोग देख रहे हैं, टर्मरिक पेपर में। ओके, मैं इसको पूरा कलर कर दूंगा, अब थोड़ा सा छोड़ दूंगा एसिड के लिए। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बेस डालने के बाद टर्मरिक में क्या होता है। ठीक ऐसा ही कलर होता है जब अगर कभी हल्दी का दाग आपके कपड़े में लग जाते हैं और सॉप के प्रेजेंट में साबुन से जब आप धोते हो तो वो रेड दिखाई देता है, क्योंकि बेस प्रेजेंट है किस में, साबुन में। साबुन में क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है जो साबुन में प्रेजेंट होता है। और जैसे ही साबुन लगाते हैं हल्दी वाले दाग के जगह पर तो वो भी क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। तब हम लोग देखेंगे एसिड डाल के। ठीक है, तो भैया थोड़ा इसको आप क्लोज ले आइए। ये हमारा है एसिड, और ये एसिड को जैसे ही मैं डाला कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, नो रिएक्शन। मीन्स आप देखो, मैं डाइल्यूट एसिल को डाल रहा हूँ और ये हल्दी का कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि एसिड का रिएक्शन टर्मरिक पेपर में नहीं होगा, कलरलेस। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, टर्मरिक पेपर को लीजिए, उसमें एसिड बेस को डालिए, एसिड के बेस के प्रेजेंट में रेड होगा, एसिड के प्रेजेंट में रिएक्शन नहीं होता है। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं आपके एग्जाम्स में आएंगे। श्योरिटी नहीं दे सकता, बट 90% चांसेस है कि ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और किसी चीज़ को आप एक्सपेरिमेंटल व्यू से देखते हो तो आपको चीज़ें हमेशा याद रहती है। तो अच्छे से आप इस चीज़ को समझोगे, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।